क्या हुआ? नहीं है कह रहे। सो बस अब गाय दी शुभ आदित्य मच माय यूट्यूब चैनल मोटो अपने और आदित्य लॉन्ग टाइम संडे राइड, एक डेढ़ महीना हो गया तो राइड करने का मेरा प्लान नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो एक लॉन्ग राइड है वो ऑलरेडी प्लान्ड है, तो छोटी राइड करने का मन नहीं था। पर फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं एक छोटी सी राइड, क्योंकि मैंने रिसेंटली, अभी आपने वीडियो देखी होगी, तो सर्विस करवाई थी बाइक की, फुल सर्विस। तो मैंने कहा क्यों ना कि एक छोटी सी राइड ही करते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो अभी अभी हमें पता चल जाए। मैं नहीं चाहता कि राइड पे मेरी बाइक को कुछ इशू आ जाए, तो इस करके मैंने कहा कि चलो छोटी मोटी एक राइड करते हैं उधमपुर तक। बाइक में इशू होगा, अगर इशू आया तो वो सर्विस स्टेशन में चेक करवा लेंगे, नहीं आया तो वेल एंड गुड। तो अभी जा रहे हैं, अभी है मेरे साथ राघव भाई जो कि मेरे को फोर्थ ब्रिज पे मिले थे। इन्होंने तो ऐसा रेव दिया भाई, मेरी तो जान ही निकल गई। तो अभी तनु जो हमें ज्वाइन करेंगे सिदड़ा से, और भाई आराम से चलाएंगे क्योंकि मैंने कल ही अपनी बाइक का टायर जो है वो चेंज करवाया, तो आराम से ही चलाएंगे क्योंकि पिछली बार जब हमने पिछला रेयर वाला टायर अपना चेंज करवाया था तो आपको पता क्या हुआ था, जब टायर 100 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर चल जाएगा उसके बाद फिर कॉर्नरिंग करेंगे, आज इतनी कॉर्नरिंग करेंगे। और साथ में जब से मैंने हैंडल बार चेंज करवाया तब से मैंने इतनी राइड की भी नहीं है, तो इससे आज ये भी पता चल जाएगा कि कितनी कंफर्टेबल बाइक हो गई है हमारी। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सिदड़ा वाला हाईवे, बड़ी देर के बाद जब राइड करो ना मज़ा आ जाता है। पर अभी ज़्यादा नहीं लीन करेंगे, कितना खाली हाईवे है ये। Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fuck. Sir. सर वो पता नहीं बस साहब। हाँ क्या चक्कर है और तैयारी है तेरी? क्या किसी ने ओ मैं निकलना निकलना जो मर्जी होए कोई मेरी 90% आया सिर्फ 10 मिनट एक चक्कर है मेरा मुड़े जेरे घर जो थे आई जान ना फिर मैं निकली जाना। वाह ठीक है। पेट्रोल पंप भी खाली। क्या हुआ? नहीं है कह रहे। पेट्रोल पंप में मैं कह रहा था गाड़ियां नहीं है, पर पेट्रोल पंप में ये नहीं पता पेट्रोल ही नहीं है। एंड ये वाला पॉइंट इतना खाली कभी नहीं देखा मैंने भाई। खुला ऑयल का पैकेट होगा ना इनके पास छोटा वाला।
खुल गया ना हाँ वो डाल देना। तो पहुंच चुके हैं उधमपुर और यहाँ पे नितिन का वेट करेंगे और जाएंगे कलाड़ी फैक्ट्री, देखेंगे अगर कलाड़ी फैक्ट्री खुली हुई तो वहाँ पे लंच करेंगे, नहीं तो वापस जम्मू की तरफ। तो अनफॉर्चुनेटली कलाड़ी फैक्ट्री बंद थी और अभी हम अंदर से डी टूर लेके हाईवे की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे हाईवे पे कोई ढाबा खुला मिला तो वहाँ पर लंच करेंगे, फिर जाएंगे घर को क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम। राइट नाउ इट्स 10। ये भी अच्छा रूट है यार, जो DIG ऑफिस वाला रूट है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोड है, बीच बीच में है सीनिक व्यू। भाई ने पूरा पहले हार्ट टच किया था नीचे। तो हम इस फायर ट्रक के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इसका जो पानी खुला हुआ है ना और पूरी ठंडी हवा मुंह पे, ठंडा ठंडा पानी मुंह पे लग रहा है, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ना मुंह पे लग रहे हैं और क्या मज़ा आ रहा है। तो खाना हमने खा लिया है और अभी जा रहे हैं घर की तरफ। तो ओवरऑल अभी तक तो बाइक में कोई इशू नहीं आया, तो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो यू नो दैट ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ, राइड मोर, बाय बाय।